पता है आज बहुत सारा प्रैप करना है, यू नो व्हाई? आज मेरी वाइफी का बर्थडे है और आपको पता है शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, तो केक अपन बाहर से लेके नहीं आ सकते, तो अपन को बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? चलो चलते हैं फिर किचन में। तो एज ए शेफ, तो कल मैंने केक बनाया जो आपको वीडियो में मैं दिखा दूंगा, जस्ट उसके फिनिशिंग बाकी है करना, तो उसके ऊपर डेकोरेशन करना है, और वो डन हो जाएगा। 6 o'clock टाइम है उसका, तो फिर केक कट होगा। तो सो व्हाट आई एम डूइंग नाउ, अभी जो कल केक बना था उसके ऊपर जो टॉपिंग करनी है, जो उसके ऊपर डेकोरेशन करनी है, तो उसके लिए अभी मैं क्रीम ली है, तो इसको व्हिप करना है। तो जैसे ही एक व्हिपिंग फॉर्म में आ जाएगी, और फिर इसके फ्लावर बना के केक के ऊपर, और हमने यहाँ पर ग्लेज भी बनाया है जो चॉकलेट ग्लेज है, तो ये कल रात मैंने बना कर रख दिया था। तो बस अभी करना क्या है कि सिर्फ उसका डेकोरेशन बचा है, वो करने के बाद तो आफ्टर 5 मिनट और एग्जैक्टली मुझे 15 मिनट लगे हैं व्हिप करते हुए, बिकॉज मेरे पास ब्लेंडर नहीं है कॉमर्शियल। तो अभी जो पीक आई है, ये जो कंसिस्टेंसी चाहिए, ये देखो, ये वाली तो ये चाहिए। फ्लावर्स बनेंगे इसके, केक के ऊपर डेकोरेट होंगे, तो हेलो गाइस, तो अभी केक बनकर रेडी हो चुका है, तो अभी हम जा रहे हैं लंच मारने। आज हमने वाइफी का बर्थडे है, तो ठीक है चलो चलते हैं। ये यहाँ पर सब लोग कपड़े हैं, और एप्रन नॉन है मेरा भी, तो चला दी है। मैं भी पूरी बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर रायता बन रहा है, यहाँ पर पूरियाँ बन रही हैं। मैं फ्रायर में हूँ, ठीक है। अब फ्राई करना मुझे पूरी, तो अभी 5:30 बजे का टाइम दे दिया है सबको। ये मैडम है हैप्पी बर्थडे वाली, बर्थडे
नहीं चुराना सना।